नमस्कार किसान मित्र, आप सभी का हमारे चैनल खेती बाड़ी जानकारी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आता है ईसाबियन। ईसाबियन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ईसाबियन की क्या प्राइस है, इसका क्या डोजेस है, इसका उपयोग किन किन फसलों में करते हैं, इनका क्या कॉम्बिनेशन है, तो बिना टाइम को गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी ने अगर हमारे चैनल खेती बाड़ी जानकारी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईसाबियन किस कंपनी से आता है, तो ये आता है सिजेंटा लिमिटेड कंपनी से। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक फ्रैक्शन डेरिवेटेड फ्रॉम एमिनो एसिड और पेप्टिसाइड मिक्सचर 62.5% है, और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन एंड इक्वाई 37.5%। इसके बारे में, इसकी जानकारी के बारे में बात करें तो ईसाबियन में एमिनो एसिड पाया जाता है। एमिनो एसिड पौधे की वृद्धि करता है और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। एमिनो एसिड प्रकाश संश्लेषण क्रिया को उत्तेजित करता है। एमिनो एसिड संयंत्र प्रणाली में पोषक तत्वों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है और एबायोटिक तनाव के लिए बढ़ी हुई संहिता के लिए रक्षा एंजाइमों को सक्रिय करता है। ईसाबियन पौधे के फलों फूलों को बढ़ाने का काम करता है, साथ में फल फूलों को झड़ने से भी रोकता है। ईसाबियन पौधे के विकास को सुविधाजनक बढ़ाता है। ये फूलों के रंग फलों के रंग चमक आकार में सुधार करता है। ईसाबियन पौधे को स्वस्थ रखता है। ईसाबियन ठंडी और गर्मी दोनों मौसम में कार्य करता है। ये पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ईसाबियन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम किसी भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ईसाबियन को हम किसी भी जैसे कोई इंसेक्टिसाइड है उसके साथ मिलाकर हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईसाबियन को किन किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं, तो इसका हम उपयोग चाय, कपास, टमाटर, मिर्च, बैंगन, मूंगफली, गोभी, फूलगोभी, ककड़ी, प्याज, सेब, अंगूर, अनार, आम, चावल, गेहूँ, सोयाबीन, अदरक, हल्दी, आलू, सब्जियां, जैसे फूल की फसलें, फल की फसलें, लगभग सभी फसलों में कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो इसका डोज 15 लीटर पानी में 30 ml मिलाकर छिड़काव करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एक बीघे में कितना उपयोग करना है, तो एक बीघे में लगभग 1 लीटर को डालना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो कीमत 1 लीटर की बोतल लगभग आपको 850 में मिल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने